हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों सुना, पहले की सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने रेल बजट को 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है और अगले 5 सालों में भारतीय रेल का ऐसा ऐसा कायाकल्प होगा जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। लल्लन भैया, वास्तव में डबल इंजन सरकार में रेलवे का ऐसा ऐसा कायाकल्प हुआ है जिसकी कोई आज तक कल्पना नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रेन टिकट के साथ साथ इन लोगों ने प्लेटफार्म के टिकट का दाम भी जोरदार बढ़ाया है। और लल्लन भैया, 10 सालों में सिर्फ ट्रेन ही आगे जा रही है, बाकी उसके यात्री आज भी पीछे हैं, क्योंकि जैसे पहले खचाखच भीड़ होती थी वैसे आज भी होती है, जैसे पहले ट्रेन 4-4 घंटे लेट होती थी वैसे आज भी होती है, और जनरल डिब्बे तो ऐसे घट रहे हैं जैसे हम लोग की कमाई। त्योहार में घर जाना आज भी हो जाता है दुश्वार, और कहते हैं हमने लगा दिया है बजट का भंडार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों एक अंदर की बात बताऊं, वास्तव में डंकापति ने रेलवे का कायदे से कायाकल्प किया है, क्योंकि वैकेंसी रोटी से भी ज्यादा गोल हो गई, रेल का प्राइवेटाइजेशन हो गया और सेल्फी पॉइंट लगा है ऐसा कि उसके नीचे मजदूर सो गया। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि मित्रों का भर रहे हैं जेब, चमका रहे हैं अपना चेहरा, और बेरोजगारी के कारण यहाँ बद नहीं रहा है सहरा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। मोदी जी, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है। ये भगवान क्या जुलुम है। तो दोस्तों देखा, पहले खिलाड़ी जीतने के बाद अपनी मेहनत और स्ट्रगल के बारे में बताते थे, लेकिन आजकल वही खिलाड़ी जीतने के बाद ये बताते हैं कि कैसे एक राज्य साल भर से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन फिर भी उस देश का प्रधानमंत्री घूमने में व्यस्त है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मणिपुर वाले नहीं है जुमला गुरु का परिवार, वरना कैमरा लेकर वहां जरूर जाते एक बार। अंधभक्त और दलाल एंकर दिन रात चिल्लाते हैं विश्व भर में डंका बज रहा है, महामानव सिर्फ एक फोन कॉल से यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवा देते हैं, और साल भर से अपने ही देश का एक राज्य जल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इसे रुकवाने के लिए सबके फोन की बैटरी लुल्ल हो गई है। दोस्तों इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जैसे हवा हवाई बातें हैं वैसे ही हवा हवाई डंका, और मणिपुर तो छोड़ो, एक दिन पूरे देश की लगेगी लंका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। क्योंकि दोस्तों ना महंगाई से राहत है ना बेरोजगारी से राहत है, बस दिन रात केवल नफरत की आग को लगाया जा रहा है और एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सीधे साधे गरीब लोगों का होता है। लल्लन भैया, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जब मणिपुर में चुनाव होगा तो ये कौन सा मुंह लेकर वहाँ रैली करने जाएंगे।